बैक टू माई ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह के बजे हैं 8 और मैं नहा लिया हूँ और नाश्ता अपना आ गया, चाय और पराठे। तो आज चाय और पराठे का नाश्ता करते हैं। आज थोड़ा काम था इसलिए सबको जल्दी उठा दिया है। आपसे एक बात शेयर करनी थी कि 150 तक ब्लॉग आपके सपोर्ट से पूरे हो चुके हैं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और 100 हुए हैं, 50 भी हो गए, 50 हुए हैं आज, तो 100 भी हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही आप और हमारा सफ़र बरकरार रहेगा। और अभी मैं जा रही हूँ शॉप पे क्योंकि इनको बहुत ज़रूरी 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 काम से कहीं जाना है। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे डायरेक्ट शॉप पे। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ शॉप पे और ये निकल गए हो, इसी अपने काम पे निकल चुके हैं। ये स्टैकिंग के पार्सल चढ़ा के ना उस कट्टे में डालेगी, किस में डालेगी। इसका मौसम भी होता जा रहा है, कभी धूप आती है, कभी छाया हो जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी देखो अभी बारिश होगी तो हो जाएगी। तो मौसम तो ऐसे भी बढ़िया सुहाना हो रहा है, घूमने लायक मौसम हो रहा है। तो अभी बजे हैं 12:30 बज रहा है, 12 बजने में 10 मिनट। तो अभी मुझे लग रही है भूख, मैंने कहा तो है वजह से कि भाई कुछ ला दे क्योंकि जल्दी जल्दी आज मैं शॉप पे आ गई थी, ब्रेकफास्ट करके ही सबको करा के, और लंच वगैरह आज बनाया नहीं मैंने। देखो बाहर से ही लाएगा, मैं कह रहा था मैं बाहर पर ही आऊँगा, मम्मी पापा को काम है तो आप पहले चले जाओ शॉप पे, फिर पापा ना निकल जाएंगे कहीं अर्जेंट काम से जाना था। तो फिर मैं देखो अभी तो कुछ काम है नहीं, फ्री बैठे हैं, देखो सारा काम हो गया है, निपट गया है। और चलो वो आता है, पता नहीं बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, ऐसा ना कोई टेंशन की बात नहीं है एक्चुअली में। ऊपर ही हमारा घर है, नीचे ही शॉप है, तो बच्चे भी आते रहते हैं और मैं अभी ऊपर सीढ़ी को चली जाती हूँ, तो इससे हमें बहुत ही मतलब फ़ायदा है ऊपर घर होने से। तो बच्चे बोर होते हैं तो आ जाते हैं। तो गाइस मैं अभी अभी आ गई हूँ ऊपर, अभी बज रहे 2:30, आज लेट हो गया और ये आ गए थे ऑफिस में इसलिए मैं आ गई। और आज अभी मैंने लंच ही नहीं किया है, मुझे लग रही है भूख, तो मैंने वंशिका को बोला है कि भाई मेरे लिए मैंगो शेक बना दे, इससे पेट भर जाएगा। है भी अभी मैंगो शेक, ठंडा ठंडा मैंगो शेक, तो चलो फिर वो मैंगो शेक बना के आती ही होगी। एग्ज़ाम कैसा हुआ पहले ये बता। एग्ज़ाम अच्छा हुआ। आ गए वंशिका, रखो यहाँ पर, रख दो यहाँ पर, रख दो। ओह ये क्या खरीद दिया है, तो बाहर निकल रहा है। हाँ देखो दीदी ने कितना अच्छा बनाया है, ये लो आप एक आप पी लो। और आज एग्जाम कैसा हुआ, लास्ट एग्जाम था, पार्टी ये भी पार्टी नहीं, पार्टी तो तब होगी जब रिजल्ट आएगा। वॉच कर दी वाह, कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, एग्जाम वाले दिन अच्छा लगेगा, अभी टेंशन होगी। एग्जाम वाले दिन खत्म हो गया ना, लास्ट था रिजल्ट वाले दिन। अच्छा रिजल्ट वाले दिन, तो अभी तो टेंशन इतनी तो खत्म हो गई ना कि पेपर खत्म हो गए, तेरे एग्जाम खत्म हो गए, है ना। अब फ्री, अब ऑनलाइन क्लास चलेगी। हाँ तो ऑनलाइन तो चलेगी भाई, वंशिका तो ऑनलाइन तो क्लास चलेगी ना भाई। ऑनलाइन क्लास चलेगी। हाँ तो ऑनलाइन तो स्टार्ट है ही, एग्जाम हुआ है, यूट्यूब एग्जाम के दिन भी चार्ट होती है। हाँ तो भाई मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैंगो शेक पी के। लंच कर लिया ना आप लोगों ने। दीदी तो कह रही चॉकलेट शेक बनाएगी। चॉकलेट शेक अभी वंशिका बनाएगी अपने लिए। दीदी नहीं पी रही मैंगो शेक। आपने नहीं बनाया। मैं मैंगो शेक नहीं पीती, मैं चॉकलेट शेक पीती हूँ। ओहो चॉकलेट लवर, यही पी ले। नहीं नहीं मतलब मेरे को मैंगो शेक पसंद है, बट अभी पीने का मन नहीं कर रहा, मैं चॉकलेट शेक पीऊंगी आज। ओके तो फिर ये हम पीते हैं, कल पी लेना। आज के आज ही पीना चाहिए, आज ही आज पीना पीऊंगी मैं आज। बता के जल्दी पन हो गया, टेस्टी टेस्टी मैंगो शेक। बड़ा वाला पार्सल था ना, तो वो आराम से रख लेगा। और 12th का रिजल्ट का ये आ गया है कि 10th और 11th के बेस पर 12th के बच्चों का रिजल्ट देंगे। दीदी का भी 10th नहीं, दीदी का तो जो अभी पेपर दे रहे हैं
जो भी ट्वेल्थ में आए उनका नहीं, जो ट्वेल्थ से निकल रहे हैं। अगर बच्चों ने सोचा होगा टेंथ में कुछ टेंथ इलेवन में कुछ निकला, ट्वेल्थ में आके कुछ करेगी तो उनका क्या होगा? मतलब कि टेंथ में जो बच्चे जैसा रिजल्ट आया है, इलेवंथ में जैसा रिजल्ट आया है और ट्वेल्थ में जैसे जो प्री बोर्ड में रिजल्ट आया होगा ना, उसके हिसाब से इंप्रेशन बनाना। ट्वेल्थ में इंप्रेशन के लिए इसके हिसाब से भाई, मतलब कुछ बच्चे हैं तुक्का नहीं कह सकते इसको, जो बच्चे जैसे अब उनका जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से दिया जाएगा ना, उसके उनके हिसाब से गाइस उनको बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे ट्वेल्थ में। कुछ बच्चे खुश भी हैं, कुछ बच्चे गुस्सा है कि भाई हमारी मम्मी मेहनत करी है तो उसके हिसाब से भाई नंबर होने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अगर पहले थोड़ा सा वीक होते हैं आगे जाके थोड़ा इम्प्रूवमेंट वो करते ही हैं। चलो भाई जैसा भी हो रहा है, हम तो कहते हैं सही हो रहा है भाई, ठीक ही हो रहा है। क्या भैया? वन चार्जर चेयर पे बैठा है और वो बुकिंग कर लेता है, अभी संभाल लेता है पूरी शॉप। वेट कर लिया इसका? हाँ, ये 6 किलो है, 3 किलो। 6 गाय, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, देख लो फोन के चक्कर में। हाँ तो अरे ये तो कहाँ पे गया था, ये नीचे आता इसको क्या बोलता रहता है, क्या बोलता है इसलिए रहा, इतना लंबा चला वो मारेगा। क्या मारेगा? हाँ तो उधर तक कर उससे आ चुकी हूँ। वंश यहाँ बैठा है, क्या कर रहे थे भाई? अच्छा टीवी में क्या देख रहे थे? और मैं तो काम करके आई हूँ अभी। कौन सा कम डिनर बना लिया? मैंने दाल बना ली और क्या बोलते हैं, मैंने दाल बना ली और आटा मार दिया। वाह मेरी बेटी, सबको ही ऐसी बेटी मिले। गाइस हमारे 50 ब्लॉग कंप्लीट हो गए हैं, बहुत खुशी हो रही है अंदर से। 50 दिन कैसे निकल गए ब्लॉग करते करते, यकीन ही नहीं हो रहा ऐसे निकल जाएंगे 50, 100, 200, पता नहीं चला कब हो गए। थैंक्स फॉर योर लविंग सपोर्टिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें। थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमारे 50 ब्लॉग कंप्लीट हो चुके हैं तो थैंक यू सो मच। रात के बज चुके हैं 8, डिनर का टाइम हो गया है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मम्मी ने बनाई है दाल और रोटी, तो डिनर करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये ले लंच खा ले। ओके दाल बनाई है। बड़ी उंगली पकड़ने वाला कोई ऐसे, आप करो करो, रेड हैंड्स खेल रहे हैं अभी, वो देखो कैसे रख रही है। क्या हुआ? नहीं मैंने चीटिंग नहीं करा। अच्छा बाप खेलो, ये पला ही छोटा ही खेलो तुम्हें। नहीं ये देखो विद्य, ये देखो ये ना सबसे बड़ी उंगली, आपको यानी पकड़नी है ठीक है। अब यानी सबसे बड़ी वाली उंगली पकड़ो, आप कौन सी है? नहीं ये है, आपको यानी उंगली पकड़नी है।
मंजू देखो क्या नहीं ये है वृद्धि फेल हो रही है। जीत गई वृद्धि। ये हाय गाइस, अभी बजे हैं रात के 12। ये देखिए टाइम, ये 12 बज रहे हैं ना, ये देखिए 12 बज रहे हैं। और अभी अभी हमारी मूवी ख़त्म हुई है, डेली का रूटीन है, वंश मूवी दिखाता है और वंशी का और उसके पापा सो गए हैं, हम दोनों देख रहे थे। और अभी बहुत तेज नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है, तो फिर सोते हैं, मिलते हैं आपसे कल या नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। Fearless.